हेलो यू गाइस, की हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज तानिया बुटानी एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। एक्चुअली इट्स नॉट अ वीडियो बट अ न्यू ब्लॉग। सो टुडे इज 15 नवंबर एंड मेनी ऑफ यू माइट नो हु फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम दैट आई एम गेटिंग मैरिड ऑन 19 नवंबर एंड टुडे आई एम मूविंग आउट ऑफ माई हाउस। एक्चुअली नॉट मूविंग आउट बट यू आर शिफ्टिंग टू अ न्यू हाउस। सो द प्लान इज लाइक फर्स्ट वी आर मूविंग टू वाशी। वहाँ हमने बुकिंग की है होटल की, सारे फंक्शंस वहाँ होने वाले हैं तो पहले हम वहाँ शिफ्ट होंगे और कल से सारे रिश्तेदार आने वाले हैं तो हम आज ही शिफ्ट हो रहे हैं। यू नो सब सेटल डाउन करेंगे बिकॉज इतना सारा सामान है, वहाँ सेटल करना भी बड़ा टास्क है। सो मैंने मेरे फ्रेंड की हेल्प ली है और हमने एक और गाड़ी बुलाई है तो सब सामान उसमें सेटल करेंगे। मैं आपको दिखाऊँगी मेरे हॉल का नज़ारा क्या है। बट येस, लाइक टूडे आई गेस इट वुड बी अ लास्ट डे आई एम शूटिंग हियर एंड आई थॉट डैट मैं अपने कैमरा से ही शूट करती हूँ। मैं यूजली अपने ब्लॉग्स तो मोबाइल से ही शूट करती हूँ बट मैंने सोचा इंट्रो वीडियो वाई नॉट विथ कैमरा। या सो एक्चुअली आई वोक अप वेरी लेट राइट नाउ, इट्स 10:15 एंड हमने सबको 10:30 बोल दिया नीचे आने और इधर ही सब कुछ रेडी नहीं है। सो आई वॉज शूटिंग फॉर अ ब्रांड, लाइक छोटा छोटा मुझे शूट करना था बचा खुचा। आई फाइनली डिड इट एज यू कैन सी विथ सिंपल बेसिक मेकअप एंड येस मैं ऐसे ही जाने वाली हूँ क्योंकि वहाँ से फिर पार्लर का अपॉइंटमेंट है, सब कुछ है ही तो फिर क्यों इतना तैयार होके जाना है। बट या लाइक टू बी ऑनेस्ट आई एम सो इमोशनल राइट नाउ, नर्वस, एक्साइटमेंट, हैप्पी, आई डोंट नो, मिक्स्ड फीलिंग्स एंड शायद सब लड़कियों को ऐसी फीलिंग्स आती होगी। मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है तो हाँ, बट या आई मीन तो एनीवेज लेट्स ओनली स्प्रेड हैप्पी वाइब्स। हम खुश 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 होंगे और आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए एंड आई विल शो यू, आई विल टेक यू अलॉन्ग कि मैं क्या करती हूँ शादी के पहले, कैसे प्रेप अप करती हूँ खुद को, एवरीथिंग। सो येस वी शुड नॉट वेस्ट मच टाइम एंड जस्ट लेट्स गेट टू वीडियो। सो दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। आधा सामान यहाँ है, आधा सामान बेडरूम में है, ये सब हमने शिफ्ट करवाना है। इसमें से एक दो बैग मम्मा के हैं और दो तीन बैग्स तो कपिल के साथ ही जाएंगे, जब वो हल्दी मेहंदी के दिन आएगा ही विल टेक एवरीथिंग। एंड ओ शिट, मैं अपनी रिंग लाइट रखना भूल गई, ओ आई हैव टू कीप दैट। एंड हियर आर माई आउटफिट्स, दिस इज लहंगा, आई रियली कांट वेट टू शो यू। बट ओके एक मिनट, लहंगा बहुत ज़्यादा हैवी है एंड एवरीथिंग इज़ हियर, ये सब भी लेके जाना है एंड ट्रस्ट मी ये लहंगा बहुत ज़्यादा हैवी है, आई डोंट नो हम इसे कैसे लेके जाएंगे होपफुली। एंड दिस इज़ मेरे पापा का फ्रेम है, वी हैव रैप्ड इट इन अ न्यूज़पेपर एंड दिस इज़ माई लैपटॉप विच आई एम टेकिंग अलॉन्ग। सो या सो मम्मा ने हलवा बनाया है, राइट नाउ आई एम हैविंग दैट एंड रेस्ट वी विल गिव इट टू पंडित जी मंदिर में जाके। मैं कैलोरीज गेन कर रही हूँ जब मुझे कैलोरीज बर्न करनी चाहिए, बट एनीवेज हु केयर्स। ऑलमोस्ट सब सामान नीचे लेके गए एंड जस्ट लुक एट माई फेस, ना गर्मी है। हेलो, सो फाइनली वी रीच हियर और अब हम चेक इन कर रहे हैं, सब सामान ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं ऑन द सेकेंड फ्लोर। ये भी एक त्रास काम है। So this is the room I'm staying in for today with my mama and tomorrow I'll shift to another new room. This is how it looks. Sara saman aa chuka hai. Hello. So just done with lunch and now we are heading to Enrich Salon. जो हालत इतनी ख़राब हुई है थोड़ा उसको सुधारा जाए। So I will be doing manicure, pedicure and शायद से hair spa. Let's see and उसके बाद सिर्फ relax करने वाली हूँ and actual में बहुत अच्छा लग रहा है ये सोच के। Hello Monu, कैसी जा रही है शादी की तैयारी?
दिख रहा है वो चेहरे से और फिर क्या right now I am in Indit salon and just relaxing here शादी के पहले की आखिरी डेट कोई तो रिएक्शन दे सबसे लीस्ट इंटरेस्टेड अभी बता मेरे वीडियोस या फोटोज में अच्छा सो वी आर बैक टू होटल हेलो यू गाइज आई जस्ट केम बैक टू होटल और सुबह से मेरी हालत ऐसी है और अभी भी ऐसी ही है मैंने हेयर स्पा नहीं कराया क्योंकि जो हेयर स्पा मुझे कराना था वो नेहरूल ब्रांच के एंड्रिड सैलून में अवेलेबल नहीं था सो टुमारो आई विल बी गोइंग टू वाशी और मैं वहाँ हेयर स्पा कराऊंगी बट आई डिड मैनीक्योर एंड पेडिक्योर टुडे एंड इट वॉज अमेजिंग एंड्रिड सैलून से आप मैनीक्योर पेडिक्योर ज़रूर कराओ इट्स रियली अमेजिंग यू गाइज विल टोटली लव इट तो अब का प्लान यह है कि बस बिस्तर पे पड़ी रहूँगी क्योंकि कल से सब रिश्तेदार आएंगे कल से सब कुछ मतलब सब लोग आसपास रहेंगे तो आराम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता तो अभी आराम करेंगे और मुझे ब्रांड का एक दो वीडियो भी एडिट करना है मैं वो करूँगी और बस आराम करूँगी पहले अपनी थोड़ी शक्ल सुधार लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत सुबह से ऐसी हूँ जो मैं निकली हूँ मैं ऐसी ही हूँ सो आई गेस आई जस्ट नीड टू वॉश माई फेस एंड थोड़ा फ्रेशन अप होना चाहिए मुझे सो चलो आज रूम में ही हमने खाना मंगा लिया है एंड वी हैव ऑर्डर्ड वेज हक्का नूडल्स एंड वेज मंचूरियन माय फेवरेट मॉर्निंग सो कल रात को आई जस्ट डोज्ड ऑफ लाइक मैं जैसे ही खाना खाई एंड देन सो गई इतनी थकान हो गई थी एंड एज यूजुअल मैं सुबह लेट उठी एंड मुझे फटाफट रेडी होना था तो मैंने अब भी सोचा व्लॉग शुरू करती हूँ मॉर्निंग का क्योंकि आई जस्ट टुक अ शावर एंड आई एम जस्ट रेडी सिर्फ थोड़ा मेकअप करना है बट ऑल सेट एंड हेयर स्पा कराना है तो बालों को तो कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मैंने इसलिए हेयर वॉश नहीं किया सब रिलेटिव्स आते ही होंगे एंड ब्रेकफास्ट भी करना है यार शादी मतलब ना एक सच में मतलब एक कुछ अलग ही टास्क है करने को बट एनीवेज मैंने सोचा मैं ऐसे व्लॉग करती हूँ बिकॉज ये रूम में लाइटिंग बहुत कम है और मेरी शक्ल बहुत अजीब लग रही थी बट एनीवेज पीछे का मैस हम इग्नोर करते हैं अब रूम क्लीनिंग होगी तो रूम भी अच्छा हो जाएगा एंड ऑल्सो आई विल बी शिफ्टिंग टू अ न्यू रूम क्योंकि मैंने एक न्यू रूम चेक इन किया है क्योंकि यहाँ मेरी नानी आने वाली है एंड मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ एक नए रूम में शिफ्ट होने वाली हूँ सो यस सो जस्ट डिड बेसिक मेकअप लाइक कंसीलर एंड कॉम्पैक्ट बस बाकी का बाद में करेंगे नाउ आई एम गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट सो यस सब रिलेटिव्स आ चुके हैं अब है लंच टाइम तो अब हम सबको लंच के लिए लेके जाएंगे तो यहाँ हमने ऐसी अरेंजमेंट की है कि हमने लंच उनको ऑलरेडी बोल दिया है तो हमारे यहाँ आज के दिन कुछ 18-20 लोग हैं तो उस हिसाब से हमने लंच का ऑर्डर दे दिया है तो अब सब लंच करेंगे एंड देन मेरा प्लान है कि मैं सैलून जाऊँगी और अपनी नेल्स का काम कराने जाऊँगी मेरे नेल देखो कितने गंदे हो रखे हैं तो वो प्लान है और सैलून मेरे बालों के लिए बट येस इतने टाइम बाद वापस हम मिल रहे हैं लास्ट हम मिले थे 2019 में एक भैया की शादी में और वापस हम आज मिल रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है एंड मुझे ये हिट भी कर गया है कि शिट मेरी शादी हो रही है मैं आई हूँ नेल्स कराने इन सानपाड़ा मैंने एंगेजमेंट के टाइम फर्स्ट टाइम कराए थे नेल एक्सटेंशंस और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था सो आई थॉट वापस करते हैं आई विल डू इट अगेन एंड आई एम थिंकिंग कि मैं क्या कराऊँ लेट्स सी
उनसे सजेशंस लूँगी। मैं लंच भी नहीं किया क्योंकि अपॉइंटमेंट था एंड लेट नहीं होना था। नेल्स के बाद ये प्लान है कि सलोन जाऊँगी, लेट्स सी हाउ डज इट गोज। बट चलो नेल्स करवाते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरत है। डन विथ माई नेल्स, अब मैं जाऊँगी होटल एंड माई सलोन अपॉइंटमेंट इज एट 6 PM, सो तब तक रेस्ट करूँगी एंड आई एम लविंग माई न्यू नेल्स, जस्ट लुक एट इट, कितने प्यारे लग रहे हैं। सो बिफोर गोइंग टू सलोन आई थॉट आई विल शिफ्ट टू माई रूम एंड दिस इज हाउ माई रूम लुक्स लाइक। This is the hall area जहाँ AC है and this is the bedroom, यहाँ भी AC है, यहाँ कबर्ड है, वहाँ भी कबर्ड है और वहाँ मिनी फ्रिज भी है, बस और क्या चाहिए। And say hello to my mom, देख तो लो, चश्मा निकाल रही होगी, see, hi, so बस और क्या चाहिए। And मैं बहुत अजीब लग रही हूँ, मैं सुबह से ऐसे ही घूम रही हूँ एंड नाउ इट्स टाइम फॉर हेयर स्पा। मेरे बाल ना एकदम रफ अजीब से हो रखे हैं। बाकी के रिलेटिव्स गेटवे ऑफ इंडिया घूमने गए हैं बिकॉज दिल्ली से आए हैं तो मुंबई थोड़ा घूमेंगे ही, आज वैसे भी क्या काम है। और अब मैं जा रही हूँ हेयर स्पा के लिए, सो यस आई विल कैच यू अप लेटर, बाय। Got done with my hair and my hair looks so fab. Then I reached hotel, had my dinner and सब family के साथ मस्ती and dinner विनर में मैं भूल ही गई कि मुझे vlog भी end करना था। इस बार माफ़ कर दो, next time से I won't forget. Do like, share this video as much as possible and yes, subscribe ज़रूर करना and I'll see you next time with a new video. Bye.